সবাইকে শুভ বিজয়া শুভ বিজয়া আর বড়দের প্রণাম আর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা লক্ষ্মী পূজোর প্রিপারেশনের জন্য তৈরি হয়ে গিয়ে প্রিপারেশন নিচ্ছি আর সেই জন্য ভাবলাম যত মন খারাপ ছিল দুর্গা পূজা যাওয়ার পরে সেগুলো সব বিসর্জন পরে একদম মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় তো সেগুলো এখন আবার চার দিন পরে এই লক্ষ্মী পূজো আসাতে সেই সব আবার লক্ষ্মী পূজোর সব জোগাড় করতে করতে তখন সব ভালো হয়ে যায় তো এরকম ভাবলাম যে আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু প্রিপারেশন আর কি আমি একটা ভোগের থালি যেটা হয় সেটা আমি কিছুটা প্রিপারেশন এরকম দেখাবো আমি মোটামুটি শুধু ভোগের থালি কেন ওই হ্যাঁ নাড়ু হ্যাঁ তারপরে আমার মেইন ইন্টারেস্ট ওগুলোতে নাড়ু খইয়ের উপরা যা এগুলো বানাই এগুলোরও কিছু কিছু প্রিপারেশন আমি দেখাবো সবটা কতটা ডিটেইলস দেখাতে পারবো জানি না কারণ ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যায় তো আমি সেজন্য মানে বেসিক্যালি আমরা যেরকম যেরকম সব জিনিসের প্রিপারেশন নিচ্ছি ওরকম ওরকম ভিডিওটা হতে থাকবে আচ্ছা হিন্দি হিন্দি মে থোড়া বল দেতি হুঁ সভি দর্শকোঁ কো ওয়েলকাম সভি ফ্রেন্ডস কো শুভ বিজয়া আর হাম বেঙ্গলিস মে জো লক্ষ্মী পূজা হতা হ্যায় ও ঘর ঘর মে মানায়া জাতা হ্যায় হর ঘর মে আপনে सामर्थ्य के हिसाब से वो बनाते हैं तो मैं सोची कि मैं कैसे उसको सेलिब्रेट करती हूँ क्या क्या करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ हाँ। और जो मेरे दुर्गा पूजा का एक जो ब्लॉग है वो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा इधर आई बटन में लिंक कर देंगे आई बटन में लिंक कर देंगे हम बहुत ही एक परिवार की तरह अपने इस फ्लैट में दुर्गा पूजा मनाते हैं तो अच्छा लगेगा होपफुली क्योंकि सबके साथ ही असली मजा आता है तो चलिए अब और बात नहीं बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अब लक्ष्मी पूजा का कुछ हाँ, तो हम लोग क्या क्या करें अच्छा पहले डेकोरेशन करें या पहले नाड़ू बनाए नाड़ू बेसिक अच्छा जो नाड़ू नहीं कुछ लोगों को पता होगा नारियल का लड्डू मिठाई बनाते हैं सभी जानते हैं नाड़ू पता हाँ सभी जानते होंगे हम नारियल का गुड़ से चीनी से मिठाई बनाते हैं और खोई को जो है उसको गुड़ में देके तो बात अब ज्यादा नहीं खोई के हिंदी तो खोई बोलो मां चलो अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि खोई को हिंदी में क्या बोलते हैं खोई को हिंदी में नहीं पता अब जल्दी से कैमरा को ऑफ करो और चलो अब प्रिपरेशन नहीं तो फिर ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाता है मेरा ठीक, तो ठीक, चलो ठीक। नारियल का नाड़ू बनाने के लिए हम नारियल को पहले ऐसे ग्रेट कर लेते हैं ये मेरा यहाँ ऐसा है इसको हैंड ग्रेटर भी मिलता है तो हम नारियल को ग्रेट कर लेते हैं उसके बाद उसको गुड़ से हम कढ़ाई में उसको पकाएंगे तो चलिए नारियल को पहले ग्रेट कर लेते हैं तो इसको हम लोग खोई बोलते हैं इसको अभी हम गुड़ में डाल के इसको ऐसे कर लेंगे मीठा मीठा सा बनेगा तो चलिए किचन में बस कढ़ाई में थोड़ा सा गुड़ डालेंगे आप देखिए थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल के अब इसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे गुड़ को इसी में हम पहले गला लेंगे ऐसे पहले ऐसे थोड़ा सा बुलबुला सा होगा उसके बाद बस थोड़ा सा एक तार जैसा होगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें खोई का उपरा तैयार कर लिए हैं अब हम चलते हैं नारियल नाड़ू बनाने हम
बंगाली टर्म से यूज कर रहे हैं ताकि आपको भी शेयर कर सके कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं। तो नारियल नाड़ू के लिए हमने जो नारियल को ग्रेट किया था, अभी कढ़ाई बंद है तो फिर भी हम ऐसे पहले कढ़ाई को बंद करके ही ग्रेटेड नारियल को और गुड़ को पहले मिला लेंगे, अच्छे से पहले मिला लेंगे, उसके बाद हम गैस को जलाएंगे। गुड़ को हम ऐसे तोड़ के इसमें ऐसे मिला लेंगे, फिर अच्छे से नारियल और गुड़ को मिला के उसके बाद हम गैस को जलाएंगे। अब गैस को ऑन कर देते हैं, अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक न वो क्या बोलते हैं उसको पाक बन जाए, हम दिखाते रहेंगे। और माँ बहुत ही क्या बोलते हैं उसको धैर्य से नाड़ू बनाते इसको थोड़ा सा मतलब चलाते रहना पड़ता है, कंटिन्यूस थोड़ा सा चलाना पड़ता है, तब उसमें जो पाक आएगा उसके बाद उसको गोल गोल बनाना। पाक आएगा, दुनिया में किसी को नहीं पता होगा पाक कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, सबको समझ में आएगा। गुड़ और नारियल डालने से मुझे क्या होता है वो सबको समझ में आएगा। मुझे क्या होता है यही होता है, दो दो अलग अलग लैंग्वेज में ये करने से। हाँ, और क्या क्या भोग में बनेगा वो एक बार मैं बता दो। हाँ, वो भोग के थाली में हम ये करते करते बोल रहे हैं, फिर जल जाएगा, फिर हो गया। खिचड़ी खिचड़ी बनाएंगे और पांच भाजा बनाएंगे। पांच भाजा खिचड़ी पांच भाजा लाबड़ा बोला था, तब बोल लाबड़ा को क्या बोलते हैं नहीं पता होगा ना। लाबड़ा सब्जी रहेगा। हाँ, और वो थाली का प्रेजेंटेशन हम लोग करके दिखाएंगे। अभी कैमरा ऑफ कर दो, थोड़ा सा इसको दिखा दो जो पाक बन रहा है उसको दिखा दो। पाक, हाँ, पाक कैसे बन रहा है देख लीजिए। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको दिखा दो पाक कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे मिलते रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि जबरदस्ती फोटो में आने के लिए की हूँ, मुझे सच में आता है बनाना। हाँ, तुमको आता है तो। अब देखिए छोटू नाड़ू बनाते हुए, एक्चुअली इसको गोल गोल यही बनाती है क्योंकि मुझे ये नहीं, अरे मेन कैरेक्टर को भूलो मत। हाँ, ये और इसके पापा देखिए। पाक ऐसे मतलब क्या ना, बेसिकली कि इसका एक कंसिस्टेंसी होता है, जब ये ऐसा चिपचिपा सा बन जाता है मतलब, तब क्या होता है कि शेप इसका मतलब देने में इजी होता है, इसीलिए उतने देर तक हम लोगों को इसको मतलब चलाते रहना है कढ़ाई में ताकि नीचे से लग ना जाए। कैसा बोला ना मास्टर शेफ जैसा, तब तक हिलाते रहिए जब तक आपके डोले शोले नहीं निकल जाते हैं, आपके बाइसेप्स पूरा ना बन जाए। अरे हिलाते रहो, भगवान जी का भोग बना रही है फिर भी इसको मजाक मस्ती सूझ रहा है। मन दिए बना মা এখানে তোমার কলার লাগতো তো এইটা বাড়ির মাস্টার সব যতক্ষণ না দেখে বলে দিচ্ছে যে পাক হয়েছে কি না। চেক করে হয়েছে একটুখানি জল একটু বাটিতে একটু জল দিও। और ये ना बहुत गर्म रहता है तो इसको एकदम गर्म रहते में ही इसको शेप दे देना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में नहीं होता है। এদিকে শেপটা দেখো, চেপে চেপে গোল করে দিতে হবে, তাই তো। हाँ, ये ना जब तक ना ये नारियल वाला मैंने थोड़ा चिपचिपा हो जाता है तब तक ये नाड़ू का शेप अच्छे से बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसका जो वो मम्मी तब से बोल रही थी पाक इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब यही है। ये थोड़ा चिपचिपा होने तक इसको कढ़ाई में भूनते रहना है, उसके बाद ऐसे शेप दे करके इसको बन जाता है नाड़ू।
पूजा के घर का प्रिपरेशन करीब करीब हो चुका है। तो चलिए अब हम खिचड़ी भोग के लिए थोड़ा सा दाल को हम ऐसे फ्राई कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको पानी में नमक और हल्दी डालकर दाल को हम एक तरफ उबालने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम दाल को उबालने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद हम गोविंदोभोग चावल को थोड़ा सा धोकर रखे हुए हैं। अब उसको हम धीरे धीरे कढ़ाई में अदरक, धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची पाउडर सब डाल के उसके बाद हम मसाले को थोड़ा सा एक करके चावल को उसमें फ्राई करेंगे। चावल को फ्राई करने से खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। चावल को फ्राई करके हम उसी पके हुए जो दाल मेरा पक रहा था उसी में हम डाल देंगे और स्वाद अनुसार उसमें हम नमक और चीनी भी डाल देंगे। अब हम देखिए धीरे धीरे पांच भाजा का तैयारी कर रहे हैं और फिर हम देखिए गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी किए। अब देखिए हमारा खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। तो हम इसको एक थाली में सजाकर उसको पांच तरह के भाजा से इसको हम सजा देंगे, भगवान जी को भोग लगा देंगे। বেশি কেটে তো লাভ নেই। হ্যাঁ সেটাই। আর এটা শসা তো আপেল কিরে দেড় লাঞ্চে ঠাকুর বসে এসে হরবড়ি দেবে তখন। ভোগ রেডি হয়ে গেছে, এখন হরবড়ির মধ্যে যা খুশি তাই মেরেছে। ফল টল কাটা সব রেডি, হ্যাঁ একদম গোছগাছ রেডি। এবার ঠাকুর মশাই আসার আগে হামলোগ থোড়া সা জল হরবড়ি মেয়ে থোড়া সা রেকর্ডিং কর লেতে তাকি মতলব জো হ্যায় ও দিখা পায়ে। অভি আতে হি হোঙ্গে, অভি ভি লেকিন চন্দন ঘিসনা বাকি হ্যায়, মানে চন্দন কা হি লা রহি থি। হ্যাঁ তো ইয়ে ঘিস কে আচ্ছা माधव माधव वाचम माधव माधव ऋषि सरंजी साधव सर्वे सर्वगजी माधव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम ओम पिं सायुपात ओम ऐं होम जगलम जंति जय मंगे जंति जमे तुर भवय वेशु पोसरी भगवते मंगल मंगल कुमाराय सर्व शिला सर्व जन मिश्र जगवान मंगलवान विजय हरि ओम उदित प्रथम जगत ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ओम नमो नारायण नमो ओम धर्मेश गुरुं गुरुं कला पुष्पं जी चूड़ाय श्री वद सुरारुं ये सर्व संगीत नारायण श्री नमो
तो मेरा लक्ष्मी पूजा संपन्न हुआ। माँ लक्ष्मी सभी को सुखी रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। आपने अपने लक्ष्मी पूजा किस तरह से मनाया कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और यह व्लॉग अगर किसी भी वजह से आपको अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।